सीएम योगी के आदेश पर खुले प्राइमरी स्कूल, स्कूलों की हालत जर्जर, परिसर में जलभराव और शौचालय में दिखी गंदगी। नहीं किया गया बच्चों को जागरूक, अधिकतम बच्चे बिना मास्क और सामाजिक दूरी के नजर आए। शिक्षा विभाग व्यवस्था दुरुस्त कराने में फेल, खुर्जानगर के प्राथमिक विद्यालय एक नंबर स्कूल की तस्वीरें। बुलंदशहर में हुई मूसलाधार बारिश से खंभे में उतरा करंट, हादसा सीसीटीवी में कैद। दूध लेने जा रहा युवक पंकज करंट की चपेट में आकर हुआ घायल, बिजली की सप्लाई बंद करा, लोगों ने युवक की बचाई जान। करंट से जलमग्न गली में गिरते युवक व उसे बचाते लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बुलंदशहर के गुलावटी थाना क्षेत्र के थाना वाली गली की घटना। खुर्जा पहुंचे SC/ST मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या, भाजपाइयों ने फूलमाला पहनाकर किया स्वागत। खुर्जा के नेहरूपुर चुंगी पर किया गया लाल सिंह आर्या का स्वागत, भाजपा के पदाधिकारी और दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शिकारपुर तहसील में तैनात राजस्व विभाग के कानूनगो का रिश्वत लेते और रिश्वत के पैसे वापस लौटाते का वीडियो वायरल। खेत की पैमाइश के नाम पर कानूनगो ने ली थी किसान से 10,000 रुपये की रिश्वत। पैमाइश नहीं होने पर किसान ने मांगे थे रिश्वत के पैसे वापस। शिकारपुर तहसील में तैनात है राजस्व विभाग का कानूनगो नरेंद्र कुमार। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के किसानों द्वारा बिजली विभाग के 2 JEE पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर किया जा रहा विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी। किसानों का आरोप, JEE द्वारा फर्जी मीटर लगाकर किसानों से लिए गए 8,000 रुपये। किसानों की मांग, जब तक दोनों JEE पर कार्रवाई नहीं होती तब तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर मुख्य अभियंता कार्यालय पर सुबह 9 बजे से धरनारत है किसान। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्य बुलंदशहर पुलिस ने किए गिरफ्तार, एक शातिर भागने में सफल। दिल्ली से चोरी की गई एक इको कार भी चोरों के कब्जे से बरामद। बदायूं के रहने वाले हैं पकड़े गए दोनों शातिर चोर। गिरफ्तार किए गए दोनों शातिरों को पुलिस ने भेजा जेल। बुलंदशहर की डिवाई पुलिस ने अलीगढ़ अनूपशहर रोड से किया गिरफ्तार। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया विभिन्न योजनाओं से संबंधित महिला जनसुनवाई कार्यक्रम। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला आयोग की सदस्य रामसखी कठेरिया ने की। जनसुनवाई में कुल 3 समस्या प्राप्त हुई। फरियाद लेकर पहुंची महिलाओं की समस्या के निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया। जिले के सभी मुख्य अधिकारी कलेक्ट्रेट सभागार में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आज CM योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5.51 लाख लाभार्थियों को गृह प्रवेश के लिए चाबी वितरण कार्यक्रम आयोजन किया। बुलंदशहर से 15 लाभार्थियों को सदर विधायक और DM द्वारा चाबी दी गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कर रहे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने लाभार्थियों को बधाई दी। न्यूज डेस्क, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।